की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि बैठक में क्या कुछ होगा। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य वहां पर पहुंच चुके हैं। सीधे शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, बैठक शुरू हो गई है, कितने लोग पहुंचे हैं, कितने सदस्य पहुंचे हैं? क्योंकि शांति भूषण का कहना था कि बहुत से सदस्यों को बुलाया नहीं गया है, क्योंकि सिर्फ वही सदस्य आएंगे जो हाँ में हाँ मिलाए। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो नेशनल काउंसिल में लगभग 365 के करीब निमंत्रण भेजे गए थे, लोगों को इनवाइट किया गया था। उसमें से शांति भूषण का भी एक नाम था। शांति भूषण ने ये भी सवाल उठाए थे कि आखिरकार बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको नहीं बुलाया गया है, तो माना यही जा रहा है कि जिन जिनको निमंत्रण भेजा गया था वो सभी यहाँ मौजूद हैं। शांति भूषण यहाँ नहीं आए, जिसकी उम्मीद संजय सिंह सुबह भी जता रहे थे कि शायद वो यहाँ आएंगे। यहाँ पे अभी संबोधन शुरू होगा, अरविंद केजरीवाल एक स्पीच देंगे, उसके बाद जो लेखा जोखा है, जो काउंसिल के जो एजेंडा है उन पे चर्चा की जाएगी। विनोद जी, संजय सिंह बैठक से पहले एजेंडे गिना रहे थे कि किन किन बातों पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर तो संयोजक पद को लेकर रहेगी इस बैठक में, कि उसको लेकर क्या होता है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी विरोध के अरविंद केजरीवाल फिर से संयोजक बन जाएंगे? क्योंकि ये बात बहुत पहले से खड़ी हो रही थी कि वो दिल्ली के सीएम है, वैसे ही उन पर बहुत काम का लोड है, उन्हें संयोजक पद से अलग हो जाना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल फिर से संयोजक बनते हैं, जनता को क्या मैसेज जाएगा? देखिए, जिस तरह का जो चरित्र है आम आदमी पार्टी का, उसमें अरविंद केजरीवाल उसके केंद्रीय नायक हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी पार्टी है, और संयोजक पद की स्थिति वही है जो दूसरी पार्टियों में अध्यक्ष की स्थिति होती है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल शायद फिर से सर्वसहमति से और सहमति से संयोजक चुने जाएंगे, क्योंकि एक बार आप जब संयोजक रहेंगे तो पार्टी और सरकार दोनों की कमान उनके हाथ में रहेगी। और जहां तक जनता के संदेश देने की बात है, तो जनता का संदेश तो जा ही चुका है, फिर से जाएगा कि आम आदमी पार्टी और जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। यानी कि मोह है ना, मोह इतना मोह है कि संयोजक पद से अलग नहीं होना चाहते हैं। मतलब पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में रहे, क्योंकि एक बार अगर आपने संयोजक किसी को बना दिया तो सत्ता का एक समानांतर केंद्र विकसित हो जाता है, और सत्ता का समानांतर केंद्र विकसित होने की वजह से ही तो योगेंद्र यादव और कुमार आनंद कुमार वगैरह सब बाहर गए, तो वो जो झगड़ा शुरू हुआ उसी से शुरू हुआ। बिल्कुल विनोद जी, धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। राजीव बब्बर और राजीव त्यागी भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। तो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। माफ कीजिएगा राजीव जी, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। यहाँ पर छोटे से